मालदीव बोल के क्या भी ऐसा नहीं, मालदीव भी जो है ये एक मरकज है, ये हमारा एम्पावरमेंट का, हमारा जो भी तालीम तरबियत का एम्पावरमेंट का मरकज होता है, तो मस्जिदों को इस तरह यूज करने से नहीं, पॉलिटिकली यूज करे ऐसा नहीं होता है। खिदमत खल्क जो है इस्लाम में जो है ये बहुत बड़ा फरीजा है, तो उसके लिए जो है उसको काफ़ी सवाब जारिया के भी काम होते हैं और हर एक नेकी जो है हमारे लिए आखिरत में काम आने वाली है। तो हम सब चीज़ को जो नेक काम समझ के करना चाहिए और खिदमत खल्क में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग जो खिदमत खल्क में सोचते हैं कि कुछ खाना खिला दिए या ये कर दिए तो बहुत बड़ा हो गया, तो आजकल हमारे लोगों को लेने की आदत हो गई, हम लोग देने वाले ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो लेने वाले भी ज़्यादा हो जाते हैं। पहले 10 लाख देते थे तो भी लोगों को बस हो जाता था, अभी 10 करोड़ दिए तो ये बस नहीं होता, हमारी गरीबी दूर नहीं होती और हमारे लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, हम लोग बैकवर्ड कम्युनिटी करके ही। अगर इतने करोड़ों का चैरिटी हो रहा है तो हम लोग फ्रंट में आना चाहिए था ना, हम लोग बैकवर्ड कम्युनिटी कैसे हो गए, क्योंकि हम लोग देने वाले ज़्यादा हो गए तो लेने वाले भी ज़्यादा हो गए, लेते रह गए और वो लोग सोचे कि यही हमारा काम है, दूसरा काम करने का। तो इसमें खिदमत खल्क जो बेस्ट जो है एम्पावरमेंट है कि इंसान को अपने पैर में खड़ा करना। अभी हमारे लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं तो उनका भी हम लोग जो लोग गेट टुगेदर करके अभी बोलते हैं उनका कम्युनिटी देखो, इनका कम्युनिटी देखो, उनको इतना वैल्यू है, उनको इतना सीट मिला, हम लोग को नहीं मिला, ऐसी सब बातें आते हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे लीडर्स को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। अभी हमारे लीडरशिप आगे वाहिद भाई आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट करेंगे तो उनको कुछ मिलेगा और उन्होंने भी हम लोग कुछ दे पाएंगे। ये दोनों तरफ से हम लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारी खुदता ही, हम लोग 10 मिनट देने के लिए बहुत बड़ा एक मेहरबानी करे जैसे सोचते हैं, हम लोग आने वाले हमारे जो जनरेशन के लिए एक बड़ा काम करके जा रहे हैं बल्कि नहीं सोचते। तो अभी खुशी की बात यह है कि अभी हमारा जो ट्रेंड चेंज हुआ है और अलीम भाई एक बार फोन करते ही वो मुख्य बने सदर साहब और हमीद भाई जो है काफ़ी जो एक्टिवली जो किए और सारे लोग भी जो है इमिडिएटली आते ही मुख्य बने, अभी हम लोग आगे फोन कर रहे। तो एक तो हमारा लीडरशिप को सपोर्ट करना और हम लोग उनको आगे आगे बढ़ाना कोशिश करना और उन्होंने हमारे लिए कुछ करने के काबिल हो, तो इसलिए तुम्हें सब भी क्या भी बोलना चाहते हैं तो सुनने के लिए उन्हें, कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो कुछ बोलना है कांग्रेस को, कुछ मैसेज पहुंचाना है या सिद्धरामैया गवर्नमेंट को मैसेज पहुंचाना है, तो एक मौका है और अभी हम लोग इंटरेक्शन करते रहेंगे तो फ्यूचर में हम लोग भी कुछ पॉलिटिक्स सीख जाएंगे। और पॉलिटिक्स जो है ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, गलत लोग एक बार वो भी मौलाना से एक आवाज में वो टॉपिक जो है कैसे पॉलिटिक्स इस्लाम का हिस्सा होता है वो बारे में हम लोग करते हैं। हम लोग परस्त है अलहमदिल्ला, वाहिद भाई जो है काफ़ी जज्बा रखते हैं, जोश रखते हैं, तो मैं सोचा कि हम लोग एक इंटरेक्शन करेंगे कि वाहिद भाई आपकी थोड़ा बच्चे।